बाहर दुखा कर ताली बजा कर बोलना नहीं किया, सबको राम ही राम बोलना है ताली बजा कर। बोलो वृंदावन में एक गली में आपको 10-20 मिनट की कथा सुना देता हूँ, ठीक है? क्योंकि आज पहला दिन था, फिर इधर उधर होते होते हम भी आज बहुत दूर से आए, हम बहुत दूर से आए, इसलिए हमारे लेट हो गया गाड़ी, कोहरा के वजह से हमारी गाड़ी, हम कथा मध्य प्रदेश में कथा करते हुए हम ट्रेन से उतर करके सीधा यहाँ पर आए, इसलिए अब थोड़ी सी कथा सुना देता हूँ, ठीक है? बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। कथा कितने बजे शुरू? आप 2:30 तक कर दीजिए बेशक, और 6 बजे से, और 2:30 से 6 बजे तक, ठीक है। हरे कृष्ण। बोले सच्चिदानंद रूपाय, क्या क्या बोल रहे हैं आप? कितने बजे बोल रहे हैं? कितने से? जो लोग फिर काम करने जाते हैं ना कभी कभी, उनके भी इच्छा होता है कथा सुनने के लिए, थोड़ा लेट हो जाए ना, वो भी थोड़ा कथा सुन लेंगे, ठीक है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यदि भागवत की कथा के महात्मा दो पुराण में आई है, एक है पद्म पुराण में और एक है स्कंद पुराण में, कदि ये दो पुराण में ये कथा की महिमा आई है। जब कथा की मंगलाचरण करते हैं, ये जो मंगलाचरण का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें बताए भगवान का जो स्वरूप है वो सात चीत और आनंद, ये तीन चीज को द्वारा भगवान का स्वरूप बना हुआ है, इसलिए भगवान सत चित आनंद है और हम सबके सब भगवान की संतान है। संतान होने का नाते देखना, हम जिंदगी भर वही तीन चीज ढूंढते हैं। हाँ देखो, ये चीज को अच्छे तरह समझो, हम जो भगवान के औलाद है इसका प्रमाण क्या, देखो राधे राधे बात मत करो, बात मत करो। इसलिए भगवान सत चित आनंद है, हैं? इसलिए कोई कोई कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, बोले नहीं सबके सब भगवान को मानते हैं। बोले कैसे? बोले जीवन में आप क्या चाहते हो? आनंद ही चाहते हो? बोले क्यों आनंद क्यों चाहते हो? आप दुख क्यों नहीं चाहते?
हम दुख क्यों नहीं चाहते, आनंद क्यों चाहते? बोले कारण है कि तो भगवान का जो स्वरूप है सत चित आनंद, भगवान आनंद स्वरूप है, हम उनके बच्चे हैं, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं ममई बांस जीव लोक जीव भूत सनातन। कहते हे अर्जुन, जगत में जितने जीव है, जैसे मैं सनातन हूँ, ये जीव भी सनातन है, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। पिताजी के अंदर में जो गुण है वो बच्चे को अंदर में भी वही गुण हुआ करते हैं। देखो कैसे हम तीन चीजें ढूंढते हैं, भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए भगवान कृष्ण और राम इनका कहीं भी रूप देखना 14.5 साल से इनके उम्र कभी ज्यादा नहीं होता है, इसलिए भगवान का स्वरूप को बताया नव किश्वर नटवर, हर समय भगवान किश्वर उम्र में। भगवान 11,000 साल तक थे, लेकिन भगवान का दाढ़ी और गोप कभी नहीं हुए, कभी उनका बुढ़ा स्वरूप नहीं देखोगे। माँ लक्ष्मी को देखो, सीता कभी बूढ़ी हुई है, राधा रानी को कभी बूढ़ी देखे, उनकी शक्ति भी बूढ़ी नहीं होते, प्रभु भी बूढ़ी नहीं होते। कृष्ण 125 साल तक थे, इनके स्वरूप में कभी बूढ़ा स्वरूप देखते हुए, भगवान कभी बूढ़ा नहीं होते हैं। इसलिए देखना हम भी यही चाहते हैं, बताओ जीवन में कौन बूढ़ा 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 बूढ़ी होना चाहते हैं? च्यवनप्राश क्यों खाते हैं? जिम में क्यों जाते हो? ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? और एक आश्चर्य चीज देखना, भले ही हम 100 साल के हो गए, लेकिन शीशा में हम जब अपना रूप को देखते हो, कोई सोचता है हम बूढ़ा बूढ़ी हो गए? सोचते हैं अब तक 14-15 साल। ये एक आश्चर्य बात हम देख लेना। बोले कारण क्या? बोले कारण यही है, हम भगवान के ही बच्चे हैं। अब देखना एक बार पक जाए हम उसको उखाड़ देते हैं। क्यों क्यों उखाड़ते हो? एक बार पक गया तो मतलब हम बुढ़ापा नहीं चाहते हैं, हम बुढ़ापा नहीं चाहते हैं। बाल अगर ज्यादा पक जाए फिर हम मेहंदी लगा देते हैं, कलर कर देते हैं। भाई भैया कलर क्यों करते हो? सफेद बाल रहने दो। बोले नहीं, हमें कोई बुढ़ा नहीं समझे, समझे हम जवान है। इसलिए भगवान सत स्वरूप है, भगवान की जो उम्र है ना, हम हर समय चाहते हैं उसी उम्र में ही रहे, कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहते, कि भगवान सत्य स्वरूप। भगवान ज्ञान स्वरूप चीत है। देखना हम सबके सब MA PhD डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है। सचमुच अगर कोई मूर्ख हो, अगर उसको बोल दो तुम्हारा दिमाग नहीं, बोले मेरा नहीं ना तेरा नहीं, मतलब एक मूर्ख भी अपना को मूर्ख मानना नहीं चाहते। बोले क्यों? भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान है, इसलिए हम सबके सब चाहते हम इंटेलिजेंट बने। भगवान आनंद स्वरूप है, जिंदगी भर उसी आनंद खोज में है, सारा जीवन आनंद का खोज में है, हैं? सारे जीवन हम आनंद की खोज में, इसलिए यहाँ पर बताए भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन प्रश्न है, कहते फिर वो सच्चिदानंद तो जीव को प्राप्ति कैसे होगी? तब ये श्लोक में वो चीज को कहते हैं, अगर तुम भी सच्चिदानंद तो प्राप्त करना चाहते हो, बोले क्या? बोले श्री कृष्ण शरण, इसलिए भगवान की शरण में जाओ, फिर तुम ये सच्चिदानंदत्व को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए देखना कृष्ण का जितने सखियां हैं, कभी भी इनकी 9, 10, 11, 12, 13 साल से उनको सखियां कभी बड़ी नहीं थी। कभी कृष्ण का जितने ग्वाल वाल देखो ना, 8, 10, 15 साल से कभी उनको ग्वाल वालों को बड़ा नहीं देखो। क्यों? वो भगवत प्राप्त किए हैं। भगवत हम भी अगर प्रभु की शरण में चले जाए, एक दिन हम भी उसी स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बोले ताप त्रय विनाशाय, ये संसार में हम सबके सब तीन तरह का दुख में दुखी है, एक आध्यात्मिक, एक आधिदैविक और एक आदि भौतिक। ये तीन तरह का दुख सबको सताते हैं। आध्यात्मिक की मतलब होता है जो मानसिक कष्ट है, आदि दैविक मतलब होता है जो देवताओं को द्वारा दिया हुआ जो कष्ट है, जैसे कभी बारिश नहीं हो, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ गया, कहीं भूचाल आ गई, कहीं सुनामी आ गई। आदि भौतिक मतलब एक जीव से एक जीव का जो दुख कष्ट है। बताओ अगर किसी देश देश में भी लड़ाई चल रहा है, कोरिया अमेरिका में धमकी धमकी अमेरिका कोरिया को दे रहा है, कैसे पाकिस्तान और भारत में एक जीव का जो दुख, जैसे जाति जाति में जो लड़ाई है, कर ये सारे दुख कैसे खत्म होगी? बोले खत्म हो जाएगी जब हम ठाकुर जी की शरण में जाएंगे। इसलिए जो पद्म पुराण में यहाँ पर जो कथा आई है, ये गोकर्ण धुंधुकारी की कथा है, आप सब सुने होंगे भागवत सब जगह। यहाँ पर दिखाया ये भागवत में कितने महिमा, देखो आपको पता है जब श्री धुंधुकारी इतने जीवन में दुखी दुखी
पिता माता को दी, पिताजी घर छोड़कर भाग गए, उसके उत्पात से घर में मैया रह गई, मैया को भी खूब पिटाएगी, बोले निकाल कितने पैसा पिताजी कहाँ रख कर गए, इतने पिटाई माताजी उनकी, पिताजी मैया भी आत्महत्या कर डालती है। फिर घर में छह छह वेश्या को बुला कर रख दिया। एक दिन राज दरबार में डाकू डाला, बहुत पैसा लूट करके लाए, अभी उनको पत्नी होने देते, सवेर होते ही सियाट लग जाएगी, अगर ये पकड़ गए हम सबके सब जेल में जाएंगे। राता रात उसको बुरी तरह से उसको मार करके घर में गाड़ देती है। बड़ा भाई गोकर्ण तीर्थ यात्रा में गया था, जब वापस आया देखा ये भूत बनकर बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दी, तेरे को मुक्ति नहीं मिली। नियम है गया में भगवान का गदाधर का चरण चिन्ह है, गया को बख्य स्थल गोबर में ठाकुर का वरदान है, एक बार कोई गया में जाकर पिंड प्रदान कर ले उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब उनको पिंड प्रदान की देखा उसको मुक्ति नहीं मिली, बोले भैया मैंने इतना पाप किया, एक बार क्यों, सौ बार भी मेरे नाम पर पिंड दो तभी मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने सूर्य देवता को जो प्रश्न की, बोले मैया को मुक्ति कैसे मिलेगी भैया को, बोले इनको ये श्रीमद भागवत कथा सुनाओ, इसी से ही उसको मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने गांव के सब लोग उन्होंने बुलाया और सात गांठ का एक बांस को उन्होंने गाड़ दी और मंत्र को द्वारा उसको स्थापन कर दी। सात दिन में उसको सात गांठ कट गई और बैकुंठ से रथ आया और बड़ा सुंदर विष्णु भक्त का रूप धारण करते हुए रथ में बैठते हुए जब जा रहा था, इतने में गोकर्ण प्रश्न करता है, बल यहाँ पर तो इतने सारे लोग बैठे हुए, अब सबके लिए क्यों रथ नहीं लाए, अब एक ही रथ क्यों लाए हो, देखो क्या कहते हैं। कहते भैया बैठने पर भी फल नहीं मिलेगा, बोले क्यों, कारण क्या, बोले पहला चीज है विश्वास और गुरु वाक्य, पहला नंबर है कथा में तुम्हारी विश्वास होनी चाहिए। अब बोलोगे अरे भूत पिशाच किसी ने देखा, सब पंडित लोगों ने जब बिजनेस बना दिया सब बेकार बात कर देगा, फिर बैठने पर भी तुम्हें कथा सुनने का फल नहीं मिलेगी, क्योंकि पहला नंबर तुम्हारा विश्वास इसमें नहीं, इसलिए पहला नंबर कहते ही पहला नंबर तुमको विश्वास होनी चाहिए भागवत कथा में, ये साक्षात भगवान के मुंह से ये निश्चित वाक्य है, ये कभी झूठ नहीं होते, ये ध्रुव सत्य है। इसलिए वो कहते हैं यहाँ पर जो धुंधुकार जैसे एक मन से कथा सुनी और यहाँ पर कोई एक मन से कथा नहीं सुने हैं, इसलिए सबके लिए रथ नहीं आए। देखो आपको छोटी सी कथा सुनाता हूँ, विश्वास कैसे होनी चाहिए। बोल एक समय कोई एक शिष्य, कोई एक व्यक्ति एक नदी पार करते हुए गुरु जी के आश्रम में आता था, सेवा करके शाम को वापस चले जाता था। एक दिन कोई उत्सव हुई तो रात हो गई, बोले गुरुजी मैं घर में जाना चाहता हूँ। बोले बेटा एक रात रुक जा, सबर चल जाना। बोले गुरुजी इसमें एक रहस्य है। बोले क्या रहस्य है। बोले जब मैं घर में जाता हूँ फिर याद में आपको करता हूँ, कल गुरुजी को आश्रम में जाना, वहां पर कथा सुनना, अगर हम आपको यहाँ रहेंगे ना फिर हम दिन भर अपना परिवार की चिंता करेंगे, इसलिए बताओ कौन सा बढ़िया है, इसमें बढ़िया कौन सा है। बोले हाँ बात तो सही बता रहे, अब क्या प्रसाद लेकर जाए हो, जब कथा हो ना बीच में, देखो प्रेम लक्ष्मी जब कथा हो ना बीच में कभी ऐसे नहीं करना, फिर तो कथा को बाद में करना, ठीक है। अब लोग बैठ जाओ, फिर पांच मिनट में समाप्त हो जाएगी, फिर करते रहना, ठीक है, अब लोग बैठ जाओ। इसलिए अभी उन्होंने बोले ठीक है बेटा तू चला जा। बोले गुरुदेव इसमें एक कमी है, एक नदी पार करना पड़ता, वो केवट सो गया होगा, अभी मेरे को ये नदी कौन पार करवाएगा। बोले बेटा एक काम करो, मैं तुमको एक मंत्र लिख करके देता हूँ, ये मंत्र को तुम हाथ में पकड़ना और इसकी प्रभाव से पानी को ऊपर में चलते 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 चले जाओ। बोले गुरु जी ऐसे मंत्र। बोले हाँ बेटा। अभी उन्होंने मंत्र को पकड़ा, सचमुच से देखा पानी को ऊपर में चलते 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 जा रहा। बोला भैया गुरुदेव क्या मंत्र लिखे जो पानी को ऊपर चलते चलते जा रहा हो। करी करी नदी पारी हो गया, उसकी मन में बड़ा कुतूहल हुआ, गुरुजी ने उसमें ऐसे क्या लिखा जो पानी को ऊपर में मैं चल रहा हूँ। बोले थोड़ी सी उसको खोल करके देखूं। जब उन्होंने पेपर को खोला
उसमें भगवान का केवल नाम ही लिखा हुआ था जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम केवल भगवान का नाम ही लिखा हुआ था। अभी तो पानी के ऊपर चल रहा था जब उसने देखा अरे केवल भगवान का नाम और कुछ है नहीं इसमें और इसकी बल पर चल रहा हूं बात झट उसने डूब गया। अभी क्यों चल रहा था? क्योंकि नाम में विश्वास है। देखो भगवान राम को अयोध्या जाने के लिए फूल की जरूरत पड़ी लेकिन हनुमान जी को फूल की जरूरत पड़ी उसने नहीं। बोले क्यों? बोले उन्होंने भगवान का नाम को उन्होंने लिया है। केवल जय श्री राम बोल करके हनुमान जी संपूर्ण समुद्र को उसने पार कर गया। बोले भगवान के नाम में इतने शक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं जैसे खेती में देखना बीज को बोते हैं जैसे गेहूं धान हम ऐसे फेंक देते हैं जब ने फेंक देते ना लेकिन वो उल्टा पड़े सीधा पड़े ना तो जैसे पड़े लेकिन जब पेड़ निकलता है कैसे होता है पेड़ कैसे निकलता है वो सीधा आती है। क्या उसी तरह भगवान के नाम में इतने शक्ति है इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए यहाँ पर श्री स्वयं श्री विष्णुदूत कहते हैं कथा सुनने का तब भी पूर्ण फल मिलेगी विश्वास गुरु वाक्य सो। पहले ये भागवत में विश्वास रखो। दूसरी क्या है? प्लस स्वस्मिन दिनत्व भावना। फिर दीनहीन भावना अंदर में आए। हम सबसे छोटे हमसे सबके सब बड़े हैं। सब जीवों को भगवान की संतान मान करके सबका सम्मान करो। भले किसका भलाई नहीं कर सकते किसकी बुराई कभी नहीं करनी चाहिए कभी किसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अपना को दीनहीन मानो। स्वस्मिन दिनत्व भावना मन दोष जय स्थिता। बोले कथा सुनने के लिए एक मन से कथा सुननी चाहिए तभी फल देगा। जब उन्होंने ये बात को बताए गोकर्ण ने कहा देखा हमने यहाँ 7-7 दिन तक कथा सुनी लेकिन हमें कथा सुनने का फल नहीं मिला। बोले क्यों? हमने एक मन से कथा नहीं सुनी। देखो कल से मैं फिर दो बार कथा सुनाऊंगा। ज्यादा दिन नहीं केवल 7 दिन अगर हम कथा सुन लेंगे फिर तो सारी वो सारी जन्म मृत्यु का बंधन से हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। फिर दूसरे दिन से सबके सब लोग एक मन से एक जगह पर बैठ करके कथा सुने तो जब कथा समाप्त हो गई वैकुंठ से विमान आया और सबके सब भगवत लोक में चले गए। इसलिए श्री स्कंध पुराण में बताया कथा कैसे सुननी चाहिए। कहते श्रोता दो तरह का। देखो याद मैं देखूंगा कल मेरे कौन बोल पाता है आज तो बोलूंगा मैं कल आपसे सुनूंगा देखूंगा कौन मेरे को याद करके बोलता है। श्रोता कैसे होनी चाहिए? बोले श्रोता दो तरह के होता है। कहते एक श्रेष्ठ श्रोता और एक साधारण श्रोता। कहते जो अच्छे श्रोता जो श्रेष्ठ श्रोता चार तरह का। पहला नंबर है हंस। जैसे हंस को आप दूध दो देखना वो दूध दूध तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। कहते वे श्रेष्ठ श्रोता है जो केवल जीवन में सार सार को ले और असार को त्याग दे। दूसरा नंबर है मधुमक्खी। अब देखना भले ही कांटा की पेड़ में कोई फूल क्यों नहीं हो देखना मधुमक्खी जाकर वहां भी बैठ जाता है और वहां भी शहद ग्रहण कर लेता है। कहता हमें मधुमक्खी बन करके हमें शहद शहद लेनी चाहिए और असार को हमें त्याग देनी चाहिए। ये दूसरे तरह का। तीसरे तरह का बोले मछली। अब देखना मछली इसका एक विशेष गुण है आंखों का जो पलक है ना वो कभी झपकी नहीं पूरा खुला हुआ रहती है। बोले कथा कैसे सुननी चाहिए? बोले एक मन से जैसे मछली आंख खोल करके अपलक नयन को द्वारा जैसे पानी व दूध पीती है कथा भी हमें एकदम एक मन से कथा सुननी चाहिए मछली जैसे। चौथा नंबर है चातक। ये एक चिड़िया होता है। ये किसी नदी का पानी नहीं पीता है किसी तालाब का पानी नहीं पीता है। इसका एक विशेषत्व है वो केवल स्वाधी नक्षत्र का पानी पीता है। जब आकाश से पानी बरसे ना तभी वो पानी पिएगा। इसलिए वो चिड़िया हर समय बोलता है प्यास आहम पानी 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 चिल्लाते रहता है क्योंकि वो और कहीं का पानी पीता ही नहीं। कहते हमें भी ऐसे ही कथा सुननी चाहिए। कथा तो सुनेंगे ठाकुर की कथा सुनेंगे दुनियादारी की कोई बात हम नहीं सुनेंगे। चातक जैसे कहते ये चार तरह का श्रेष्ठ श्रोत बोले चार तरह का कनिष्ठ श्रोता है। पहला नंबर भुरु। ये एक चिड़िया ये हिमालय पर्वत में रहता है। इसका एक विशेष गुण है
आप इसको जैसे सुनाओ ना ठीक वैसे आपको सुना देगा, लेकिन करते समय वो उल्टा करेगा, सुन भी लेगा सुना भी देगा लेकिन अपना जीवन में उतारेगा नहीं। इसलिए इनको साधारण श्रोता बताया। दूसरा नंबर ऊंट, आप ऊंट को देखे होंगे तो उसको कोई कोमल कोमल बढ़िया बढ़िया कोई पता तो उनको नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा बबलू का पेड़ कहाँ पर, किसमें कांटा है। मतलब जो व्यक्ति भगवान की कथा में जिनकी मन नहीं लगती है, उल्टा पुल्टा निंदा चर्चा चुगली को कथा बढ़िया लगेगी। कई सास ऐसे कर रहे थे किसकी गोप किसकी बेटी उसकी, देखना ये कथा कान फाड़ फाड़ के सुनेंगे, लेकिन कहां भगवान की कथा हो कथा में उसकी रुचि नहीं होगा, कभी ये सब ऊट है। और जो तीसरा नंबर है बोले बेल, बेल को आप कोई बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फल दो, उस पर लोग घास दो, वो दोनों में कोई फर्क नहीं समझता है, दोनों को बराबर मांगता है। मतलब है भगवान की कथा हो नहीं तो दुनिया की कोई कथा हो, कोई भी कथा हो बैठ जाओ, बोले नहीं सुनेगा तो प्रभु की कथा सुननी चाहिए, बेल नहीं। और जो चौथा नंबर है भेड़िया, भेड़िया एक छोटा जाति का एक बाघ होता है। हिरण जब कहीं सुंदर कहीं शब्द सुने सुनली शब्द वो कान खड़े करके सुनने लग जाता है, वो भेड़िया ठीक उसको ऊपर में आक्रमण करेगा, उसी समय में आक्रमण करेगा। क्यों? वैसे तो पकड़ नहीं पाएगा, वैसे तो उसको पकड़ नहीं पाए, उसी समय आक्रमण करेगा। इसका मतलब है ऐसे कुछ कुछ श्रोता होते ही जो कथा सुनने वाले जैसे हिरण बड़े सुनने शब्द को सुनता है और भेड़िया आक्रमण करता है, ऐसे कुछ कुछ श्रोता है जो कथा तो सुनते नहीं और जो पास में बैठे हुए व्यक्ति उसको भी सुनने नहीं देते, बिना कारण के तुम कहाँ क्या कर रहा था, तेरे घर में क्या बना, बिना कारण उसको बात करते करते कथा में उसको मन लगाने नहीं देता, कहते उसको भेड़िया कथा। ये चार तरह का कनिष्ठ श्रोता, ये जो कथा बताया चार तरह का है, एक सात्विक एक राजसिक एक तामसिक और एक निर्गुण। बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं, जैसे एक महीना हो दो महीना हो कथा सुने लेकिन उसको बाद में फिर कोई मतलब नहीं। कहते राजस की कथा किसको कहते हैं, बोले कथा को तो बड़े ठाड़ बाड़ से आयोजन किया, बड़े ठाड़ बाड़ से आयोजन किया, लेकिन इतने ठाड़ बाड़ से आयोजन किया इतने लोगों को बुलाया, अभी जो मूल वस्तु बैठकर कथा सुनना उसमें नहीं हो पाया, कौन आया कौन नहीं खाया कौन गया नहीं गया उसी में इसी में समय चला गया, लेकिन जो मेन वस्तु जो भगवान की कथा सुनना है उसी में मन नहीं लगा पाते हैं। इसलिए कथा सुनने का एक नियम होता है जैसे कथा को बीच से नहीं उठनी चाहिए, जैसे सब कथा सुनने से पहले सारी चीज को एकदम रेडी करके रख लो। आपको नहीं बोल रहा हूँ जो कथा हम सारा दुनिया में ही करता रहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। इसलिए कथा सुनने से पहले सब चीज को प्रस्तुत रेडी कर दो, है अब जो कथा जब समाप्त हो जाएगा सबके सब जाएंगे, सबके सब जाएंगे, फिर जिसको जो कुछ देना लेना जो कुछ देना उसको फिर करनी चाहिए, है अगर बीच में अगर कोई चले जाते हैं कोई विशेष कारण से, इसलिए ऐसे एक व्यक्ति को नियुक्त करके रखो जिसे जा करके उनको देखभाल कर ले उसको पूछताछ कर ले। लेकिन सभी अगर कथा को बीच से ये उठना चले गया वो उठना शुरू कर दिया नहीं, ये कथा सुनने का ये इसको राजस की कथा बताए, ये कथा कथा नहीं। बच्चे को प्यार दो, बोले क्यों, बोले बच्चा भी भगवान ने बच्चे दिए, ठाकुर जी भी बच्चे है, ये बड़े कोई बड़ी भारी कठिन चीज नहीं है, भक्ति कोई कठिन चीज नहीं है, जो कर रहे हो वही करो लेकिन उसको प्रभु की भक्ति में केवल जोड़ दो और कुछ नहीं है। देखो मेरी तरफ भक्ति किया है, एक संत समझा रहे थे यहाँ पर कोई चीज है यहाँ से उठा करके यहाँ रखी, बस यही भक्ति और भक्ति कुछ नहीं है, बोले जो कुछ कर रहे हो वही करो लेकिन उसको ठाकुर जी की सेवा। बोले सोता, पहला नंबर क्या सोता, सोता मतलब वो आ करके देख करके बैठेंगे कहां पर बैठने पर बढ़िया से नहीं दिया, इसको कहते हैं सोता। दूसरा नंबर श्रोता, श्रोता मतलब जो सार सार को ग्रहण करे असार त्याग दे। और सरता, सरता उसको कहते हैं जिनकी कथा से कोई मतलब नहीं, जो केवल दोस्त को ढूंढने के लिए आते हैं, अरे सुख पति रखा नहीं नवग्रह की पूजा किया नहीं केले का पेड़ कहाँ है, कथा से कोई मतलब नहीं है उनके, केवल दोस्त दोस्त देखने मतलब है, इसलिए इसको कहते हैं श्री सरता कहते हैं। इसलिए हमें अच्छे श्रोता बननी चाहिए, ठीक है, इसलिए ऐसे अगर कथा को सुनेंगे तो बस
हम भी जन्म मृत्यु का चक्कर से हमारी भी मुक्ति मिल जाएगी। एक दिन हम भी ठाकुर जी की चरणों को प्राप्त करते हुए जीवन में सुख और हमें शांति मिलेगी। इसलिए आज देर में कथा की, कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। फिर जब कल हम कथा शुरू करेंगे, थोड़ी सी स्कंद पुराण में बड़ी अच्छी अच्छी कथा है, उसको शुरुआत करते हुए कर हम आगे की कथा को बढ़ाएंगे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन लो, सबके सब खड़े हो जाओ। देखो भगवान का कीर्तन में नाचने का ना बड़ा पुण्य है। हम सबके सब संसार में नाच रहे हैं। अगर एक बार ठाकुर के सामने नाच दो, सारे नाचना हमारी बंद हो जाएगी।